हिमालय में एक असुर था, उसका नाम था दंबोद्भव। दंबोद्भव जो है बड़ा बलशाली है, सूर्य की उपासना करता है, भगवान सूर्य की उपासना करता है। और जब भगवान सूर्य प्रसन्न हुए और कहा कि मांगो क्या चाहिए, तो इन्होंने भगवान सूर्य से कहा कि मुझे अमर कर दो। भगवान सूर्य ने कहा कि भाई अमर तो नहीं हो सकता, चाहे जो मर्जी मांगो। इसने कहा कि मेरे बदन पर, मेरे शरीर पर 1000 कवच हो जाएगा, और जो व्यक्ति 1000 वर्ष तक तपस्या किया हो वही मेरा 1 कवच तोड़ सके, और जब वो मेरा 1 कवच तोड़ दे तो उसकी मृत्यु हो जाए। समझ गए, ऐसे मेरे पास 1000 कवच होने चाहिए। यद्यपि असंभव था, लेकिन सूर्य ने कहा कि ठीक है ऐसा ही हो। अब सोचिए, जो 1000 वर्ष तक तपस्या करेगा तब उस व्यक्ति को 1 कवच तोड़ेगा, कवच तोड़ने के बाद उसकी मृत्यु निश्चित हो जाएगी, तो फिर काहे को कोई ऐसा काम करेगा। तो उसने सोचा कि अब दुनिया में मेरा कोई शत्रु ही नहीं है, अजात शत्रु समझकर अपने को वह चारों तरफ घूमने लगा। वह असुर बड़ा भयानक था दंबोद्भव। जो आदमी अपने को अमर समझेगा वो अहंकारी तो हो ही जाएगा, अहंकारी हो गया, देवताओं को सताने लगा। तब सब देवताओं ने धर्मराज से कहा कि भाई धर्म, आप ही कुछ करिए, इन शत्रु का नाश का कोई उपाय निकालिए। तो धर्म और मूर्ति देवी दोनों ने तपस्या की, भगवान श्री हरि दर्शन देने आए। तब भगवान श्री हरि ने कहा कि हम आपकी मनोकामना जानते हैं। हाँ भगवान, देवताओं ने मुझे दायित्व देकर भेजा है, कल्याण करिए। तब भगवान ही स्वयं दो अंशों में नर नारायण के रूप में प्रकट हुए उनके यहाँ। तो नर नारायण जब प्रकट हुए, थोड़े दिन ही साधना अभी बड़े हुए ही थे, उनकी माता ने उनको स्मरण कराया कि भगवान आपके लिए जिम्मेदारी है। जी माता, मैं जाऊंगा। दोनों भाई तपस्या करने के लिए हिमालय में, आप जानते हैं बद्रीनाथ केदारनाथ, आज भी बद्रीनाथ में नर नारायण का निवास है। तो दोनों भाई साधना करते, 1000 वर्ष साधना पूरी होने पर एक भाई उठे और दंबोद्भव का को चुनौती दिया युद्ध के लिए। दंबोद्भव ने कहा कि क्यों, मेरे बारे में जानता है? बोले हाँ हाँ जानता हूं। अरे पहले 1000 वर्ष जो तपस्या करता है वह मुझसे लड़ सकता है? कहा कि मैं 1000 वर्ष तपस्या कर चुका हूं, अब लड़ने आया हूं। कहा ठीक है लड़ो, बचोगे तब ना, ठीक है तुम समय बताएगा। भीषण संग्राम छिड़ा और इस संग्राम में आखिरकार भगवान श्री नारायण ने दंबोद्भव का 1 कवच तोड़ दिया बाणों से। 1 कवच तोड़ने के बाद नारायण का शरीर वहां पर मूर्छित होकर गिर पड़ा, शरीर छूट गया। वो बड़ा खुश हुआ, ठा के मार के आसा, बड़ा आया था लड़ाई करने, 1 कवच ही तोड़ पाया, लेकिन गया दुनिया से। इतने में थोड़ी देर में क्या देखते, ठीक वही पुरुष दौड़े दौड़े युद्ध के लिए आ रहे। शरीर छूट जाता है, लेकिन दूसरे भाई की साधना का तेज इस भाई में प्रवेश कर जाता है। दोनों ट्विंस है ना, जुड़वा है ना, दोनों की आत्मा एक ही है। दो धड़कन जरूर है, आत्मा एक ही है।
एक ने तपस्या की, दूसरे को प्राप्त हो गई। फिर से वह उठकर खड़े हो गए और फिर से अस्त्र शस्त्र लेकर के दौड़े। अरे तू तो मर गया था, अभी कैसे आ गया? का मेरा उस एक शरीर छूटा, दूसरा दिव्य शरीर मिला है, फिर युद्ध करूंगा। फिर युद्ध किया, फिर एक कवच तोड़ा, फिर शरीर छूटा, फिर एक कवच तोड़ा। फिर ऐसे करते करते 999 कवच तोड़ दिया उसका। अंतिम कवच बचा था। अब दंभोद्भव घबराया कि लगता है कि मेरा ये कवच भी टूट जाएगा। भागा वहां से, भाग गया, मौका निकालकर सूर्य मंडल में जाकर छुप गया। वही दंभोद्भव अगले जन्म में सूर्य पुत्र कुंती पुत्र कर्ण बनकर प्रकट हुआ। एक कवच जन्मजात लेकर आया था, उसके कवच को तोड़ने के लिए भगवान भी नहीं छोड़ा। वही भगवान नर नारायण ही श्री कृष्ण और अर्जुन बन करके प्रकट हुए और कर्ण का कल्याण किया।